हेलो गाइस, टेक्निकल लाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत। गाइस, इस वीडियो पे मैं आपको ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाऊंगा। ये एक 10 रुपए का कॉइन के बराबर का इसका साइज है, काफी छोटा है और इसका साउंड भी काफी अच्छा है और ये देखने में एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, जैसे कि दुकान से आप खरीद कर लेके आए हैं उस टाइप का आपका इसका लुक देखने को मिलता है। तो इस वीडियो पे मैं आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाऊंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 इंच डायमीटर का एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेना और उस पाइप में आपको 10 mm, 15 mm और 25 mm पे मार्क करके इस तरीके से आपको पाइप के चारों ओर राउंड लगाकर मार्किंग कर लेना है। मार्कर को फिक्स करके पाइप को जैसे हम घुमाते हैं देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर राउंड लगाकर मार्किंग हो जाता है। इसके बाद आपको मिनी हैक्सर की मदद से यहाँ पर जो 25 mm का जो मार्किंग है उसी मार्किंग के ऊपर आपको पाइप को राउंड करके कटिंग कर लेना है। यहाँ पर गाइस कटिंग तो हो चुका है लेकिन उतना अच्छे से इसका फिनिशिंग नहीं आया है, तो यहाँ पर मैं सैंड पेपर के ऊपर इस तरीके से घिस ले रहा हूँ ताकि ये पाइप बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घिसने के बाद काफी अच्छे से इसका फिनिशिंग आ चुका है। अब गाइस हमें क्या करना है, दोनों साइड का जो 10-10 mm का जगह है, इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड को आपको राउंड करके घिस लेना है और मार्किंग के जो बीच वाला हिस्सा है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं घिसना है। तो मैं यहाँ पर ग्राइंडिंग मशीन के मदद से इसको बिल्कुल राउंड करके घिस ले रहा हूँ। आपके पास अगर ग्राइंडिंग मशीन नहीं है तो आप सैंड पेपर के मदद से भी इस तरीके से घिस सकते हैं दोनों साइड। बीच वाला पॉइंट को आपको बिल्कुल भी नहीं घिसना है, कुछ इसी तरीके से आपको अच्छे से फिनिशिंग करके इसका डिजाइन बना लेना है। इसके बाद गाइस एक पीवीसी शीट का टुकड़ा लेना है और इस पाइप को उस शीट के ऊपर कुछ इस तरीके से रखने के बाद अंदर से मार्कर की मदद से राउंड करके मार्किंग कर लेना है। तो इस मार्किंग को अभी कटर की मदद से आपको कटिंग कर लेना है, तो मैं यहाँ पर कटर के मदद से फटाफट से इसे कटिंग कर लेता हूँ। अभी तक गाइस इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किए तो फटाफट से एक लाइक कर दो और आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो या फिर हमारा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो जरूर करना और मैसेज करना, मैं उस मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यहाँ पर ये राउंड पीस को आपको पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से डालकर फिट करना है, तो यहाँ पर मैं बाद में इसे फिक्स करूंगा। अब गाइस हमें चाहिए कुछ इस तरीके का छोटा छोटा स्पीकर। हमारा जो मोबाइल फोन है उसके अंदर इस तरीके का छोटा छोटा स्पीकर लगा रहता है, तो ये आपको मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप पर इजीली इस तरीके का स्पीकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस स्पीकर में से ये वाला स्पीकर यहाँ पर लगाऊंगा, इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। तो इसी तरीके से आपको एक इस तरीके का स्पीकर ले लेना है और स्पीकर को यहाँ पर मैं इस पीस के ऊपर रख के इस तरीके से मार्किंग लगा दे रहा हूँ ताकि इस पीस के अंदर स्पीकर को फिट किया जाए। तो यहाँ पर मार्किंग हो चुका है, अब इसको कटर के मदद से अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। गाइस वीडियो के अंदर मैं फटाफट से आपको काट के दिखा देता हूँ लेकिन गाइस मुझे इसे काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो यहाँ पर आपको कुछ धीरे धीरे करके यहाँ पर कटिंग करना है और उसके बाद सैंड पेपर की मदद से अच्छे से इसमें फिनिशिंग कर लेना है ताकि इसके अंदर स्पीकर अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर काफ़ी अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो चुका है, अब स्पीकर को अच्छे से सुपर ग्लू लगाकर चिपका देना है। स्पीकर को अब पाइप के अंदर फिट करना है लेकिन उससे पहले स्पीकर में 2 वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। फटाफट से एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर सोल्डिंग कर लिया हूँ, अब इस पाइप के अंदर स्पीकर को अच्छे से फिट करेंगे। यहाँ पर आपको स्पीकर को थोड़ा सा अंदर करके लगाना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैं अंदर करके थोड़ा सा लगाया हूं, अब इसे चिपका देते हैं सुपर ग्लू से। तो सुपर ग्लू आपको स्पीकर के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसके बाद हमें चाहिए एक 8403 एम्पलीफायर बोर्ड और उसके साथ में ये ब्लूटूथ मॉड्यूल, तो इन दोनों को आपस में वायर के थ्रू जो है कनेक्शन करना है, तो फटाफट से मैं इसे कनेक्शन कर लेता हूं। इस बोर्ड का कनेक्शन करना काफी आसान है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, आर एल और बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, तो ब्लूटूथ मॉड्यूल पे भी आर एल और बीच वाला एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो तीनों को जो है आर एल मैच करके सोल्डिंग कर देना है। इन दोनों बोर्ड को पावर देने के लिए 5 वोल्ट इनपुट देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर इनपुट पॉइंट पर रेड वायर और एक ब्लैक वायर लगाकर सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब डबल साइड टेप की मदद से इन दोनों बोर्ड को आपस में चिपका देना है ताकि पाइप के अंदर काफी अच्छे से ये दोनों फिक्स हो जाए। तो फटाफट से मैं इसे चिपका देता हूँ कुछ इस तरीके से और उसके बाद पाइप के अंदर फिट करना है, लेकिन उससे पहले एम्पलीफायर बोर्ड में स्पीकर का वायर को कनेक्शन करना है। तो फटाफट मैं स्पीकर का वायर को सोल्डिंग कर देता हूँ यहाँ पर और उसके बाद इस बोर्ड को कुछ इस तरीके से अंदर बिठा के फिट कर देना है। इसके बाद गाइस हमें चाहिए एक इस तरीके का छोटा साइज का बैटरी ताकि इस पाइप के अंदर अच्छे से बैठ जाए, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल ले लिया हूँ और इस चार्जिंग मॉड्यूल को मैं साइड साइड से थोड़ा घिस कर राउंड कर लिया हूँ ताकि पाइप के अंदर अच्छे से बैठ जाए। तो अभी मैं बैटरी को और इस चार्जिंग मॉड्यूल को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी का पॉजिटिव वायर चार्जिंग मॉड्यूल के B+ पे सोल्डिंग करना है, बैटरी का नेगेटिव वायर चार्जिंग मॉड्यूल के B- पे सोल्डिंग कर देना है। अब बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल को इसके अंदर फिट करना है,
है, लेकिन ये माइक्रो एसबी चार्जिंग पोर्ट के लिए यहाँ पर आपको ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो फटाफट ग्रुप कटिंग करने के लिए मैं एक छोटा सा मार्किंग लगा लेता हूँ ताकि अच्छे से इस ग्रुप को मैं कटिंग कर पाऊँ। यहाँ पर आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस ग्रुप को कटिंग करना है ताकि ये बनने के बाद लगे कि ये मार्केट से हम खरीद कर लेके आए। तो यहाँ पर अच्छे से आपको फिनिशिंग करके ग्रुप बनाना है कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल को फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर आपस में दोनों को मैच करके कुछ इस तरीके से चार्जिंग मॉड्यूल को अंदर के तरफ इस तरीके से दबाकर टाइट कर देना है। ये दोनों वायर एम्पलीफायर बोर्ड के पावर इनपुट वायर हैं। इसमें से ब्लैक वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के आउटपुट नेगेटिव पॉइंट पर सोल्डिंग करना है और एक छोटा सा रेड वायर का टुकड़ा लेना है चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव आउटपुट पर सोल्डिंग कर देना है और इन दोनों वायर के बीच एक स्विच लगाना है ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक माइक्रो स्विच ले लिया हूँ। इसका साइज देख सकते हैं आप, काफी छोटा है। इस तरीके का स्विच आपको सर्किट बोर्ड के अंदर ही लगा हुआ देखने को मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा तभी स्विच आपको मिलेगा। तो फटाफट से मैं इस स्विच को वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ सोल्डिंग करके। तो यहाँ पर मैं इस स्विच को अच्छे से कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसका पीछे का कवर लगाने के लिए मैं ये पीवीसी शीट से राउंड पीस कटिंग कर लिया हूँ और उसके बीच में एक ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ ताकि इस स्विच को इस जगह पे फिट कर सकूँ ऑन ऑफ करने के लिए। इसके बाद हॉट ग्लू लगाकर इस स्विच को यहाँ पर फिक्स करना है। यहाँ पर आपको सुपर ग्लू बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपका स्विच खराब हो सकता है। अब इस कवर को इस जगह पे टाइट करके चिपका देना है। इस कवर को थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल के चिपकाना है ताकि ये जो स्विच निकला हुआ है ये हमारा जमीन पे टच ना हो, इसीलिए थोड़ा सा कवर को अंदर के तरफ डालकर चिपकाना है। अब स्पीकर के आगे में हमें एक जाली टाइप का लगाना है ताकि इसका लुक एकदम रियल टाइप का लगे। तो मैं यहाँ पर ये जाली ले लिया हूँ। ये जाली आपको किसी भी खराब रेडियो में से मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 रुपए का एक कॉइन लेना है और इस जाली में रख के कुछ इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। यहाँ पर आपको मार्किंग से थोड़ा सा बड़ा साइज का राउंड पीस कटिंग करना है। तो कुछ इस तरीके का एक राउंड जाली कटिंग कर लेना है और उसके बाद इस जाली को 1 इंच पाइप के ऊपर रख के और 2 रुपए का कॉइन को उस जाली के ऊपर रख के हथौड़े से हल्का हल्का चोट मारना है। तो कुछ इस तरीके से मारने पे ये जाली हल्का सा बैंड हो जाएगा चारों ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड करके जाली हल्का हल्का बैंड हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका डिजाइन बन चुका है। अब इस जाली को स्पीकर के आगे अच्छे से यहाँ पर फिट कर देंगे। तो देख सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर फिट हो चुका है, लेकिन इसे देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जैसा हम मार्केट से खरीद कर लेके आते हैं। तो फटाफट से इसको कलर करके इसका लुक थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए मैं ये जाली खोल लिया हूँ। अब इसे स्प्रे पेंट के मदद से अच्छे से पेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्पीकर को कवर करने के बाद ही आप कलर करें। तो इसका कलर सूखने के बाद मैं फिर से जाली को उस जगह पे लगा देता हूँ जैसा ये लगा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से आपको जाली को टाइट करके फिर से उस जगह पे लगा देना है। यहाँ पर गाइस इसका लुक देख सकते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है ये। तो चलिए मैं इसे अभी चार्ज करके आपको दिखाता हूँ। इसे चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पर 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर ले लिया हूँ। तो फटाफट कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं माइक्रो एसबी जैक कनेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं पीछे साइड से रेड लाइट जल रहा है, स्विच के साइड से हमें दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये चार्ज हो रहा है। ब्लू लाइट जलता है तो ये चार्ज फुल हो जाता है। तो चलिए मैं अभी आपको सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ। तो फटाफट से इसका जो पीछे का स्विच है इसको ऑन कर दिया हूँ। अब इसे अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर करना पड़ेगा ब्लूटूथ के द्वारा। तो फटाफट मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूं। तो देख सकते हैं पेयर हो चुका है। तो चलिए अभी मैं एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूं। तो गाइस ये छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।